हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन ऑफ स्टैंडर्ड 8। अब व्हाट इज डिस्काउंट एंड व्हाट इज मार्क्ड प्राइस, व्हाट इज सेलिंग प्राइस, ये सब जानने से पहले एक मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं द कंसेप्ट ऑफ परसेंट। तो जैसे कि बुक में भी लिखा है कि राइट द एप्रोप्रिएट नंबर्स इन द बॉक्सेस। सो 12/100 मीन्स व्हाट? So 12/100 means 12% and 47%. How can you write 47% in the form of numerator denominator? So 47% means 47/100. If someone has got 47% marks in an examination, मतलब उसको averagely 100 में से 47 marks मिली हैं. Okay, तो now how to find the percentage? Suppose 4% of 300, 4% of 300, ये कैसे find करेंगे? तो we write 4% means 4/100, correct? 4% means 4/100 or into 300. इसकी meaning क्या है 4% of 300? इसकी meaning है कि अगर 100 में से 4 रुपीस या नंबर्स या मार्क्स या कुछ भी ले लो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड, कुछ भी ले लो, तो 4% मींस इफ देयर आर 4 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, देन आउट ऑफ 300 हाउ मेनी? तो 100 में से 4, 200 में से 8 एंड 300 में से 12। तो ये इसकी मीनिंग है। अब इसको कैलकुलेशन करके कैसे फाइंड करना है? सो 4/100 इनटू 300, so 20s cancel out, 20s cancel out and 4 3s are 12, ठीक है? दूसरा मेथड, दूसरा एक क्वेश्चन है कि 15% of 1700, तो फिर से वैसे लिखेंगे 15/100 into 1700, so 20s cancel out, again 20s cancel out, 15 into 17, so अगर हम करते हैं 15 7s are 15 7s are, what is the product? 15 4s are 60, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105, 15 7s are 105, so carry 10 here, 15 1s are 15 plus 10 25, so the number is 255. अब इसको orally कैसे find किया जाए? ये जो हमने calculation किया 15% of 1700, इसको ओरली कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो सबसे पहले हम 10% फाइंड करेंगे। 15% मींस 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%, तो पहले हम फाइंड करेंगे 10%। तो 1700 का अगर 10% फाइंड करना है तो एक जीरो कम कर दो, एक जीरो कट कर दो, सो द नंबर इज 170, ठीक है? तो 1700 का 10% है 170। अब लेकिन हमें फाइंड करना है 15%, तो 170 का और हाफ कर लो, क्योंकि दिस इज 10%, तो 5% विल बी इट्स हाफ, तो इसका हाफ कितना होगा? व्हाट इज द वन हाफ ऑफ 170? इसका आधा कितना है? तो 160 का आधा है 80 और 5, सो इट इज 85, इनका सम कर लो 85, तो दिस इज 5, 7 प्लस 8 15, कैरी 1 225। तो ये हम ओरली भी कर सकते हैं। अब जैसे इसका बोला हो 1700 का 5% फाइंड करो, तो हमें मालूम है कि 10% मतलब एक जीरो कट कर तो 170, और 5% मीन इसका हाफ, तो 170 का हाफ है 85। तो इस प्रकार हम ओरली भी फाइंड कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन हमें डिस्काउंट और कमीशन पूरे चैप्टर में काम में आने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डिस्काउंट एंड व्हाट इज मार्क्ड प्राइस। तो जब हम कोई भी चीज लेते हैं मार्केट में से या ऑनलाइन मंगाते हैं, जो जो प्राइस या जो प्राइस है, जो टैग है उस प्रोडक्ट पे प्रिंटेड, तो दैट टैग या जो छपी हुई प्राइस है, दैट प्राइस इज कॉल्ड द मार्क्ड प्राइस। जैसे आपने एक शर्ट ले ली या एक कोई कॉस्मेटिक का डब्बा ले लिया, सपोज टेलकम पाउडर ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो जो छपी हुई प्राइस है, हनी ले ली, तो छपी हुई जो प्राइस है, जो प्रिंटेड प्राइस है, जो लेबल लगा हुआ है, वो है मार्क्ड प्राइस। तो ये होगी मार्क्ड प्राइस। अब व्हाट इज डिस्काउंट? तो आप शॉप पे गए और आपको शर्ट लेनी है, सपोज द मार्क्ड प्राइस इज 500, आपने बोला सर कुछ रीजनेबल प्राइस लगाइए,
तो उन्होंने बोला ठीक है देयर विल बी अ डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज, 50 रुपए डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर 500 रुपीज प्राइस है, मार्केट प्राइस है 500, ध्यान दीजिए, तो आप शर्ट लेने गए, उसकी मार्केट प्राइस है ₹500 और आपने बोला सर कुछ रीजनेबल प्राइस लगाओ, तो उसने बोला सर ओके ठीक है देयर विल बी डिस्काउंट ऑफ ₹50, 50 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। तो वो आप शर्ट के लिए आपको कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी, तो 500 मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट कम हो जाएगा 50 रुपीज, तो फिर द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज ₹450, ये हमें प्राइस पे करनी है। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस, ये प्राइस हमें पे करनी है और ये शॉपकीपर को इतनी अमाउंट मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, अब हम क्या करेंगे साइड बाय साइड प्रैक्टिस सेट 9.1 के भी एग्जांपल्स हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹1700, इफ मार्क्ड प्राइस शॉर्ट में लिखते हैं हम, इफ मार्क्ड प्राइस इज ₹1700 एंड सेलिंग प्राइस इज 1540, फाइंड द डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना मिला आप बता सकते हो, डिस्काउंट कितना मिला होगा जब मार्केट प्राइस 1700 है और सेलिंग प्राइस है 1540, तो डिस्काउंट कितना मिला, कितनी प्राइस कम हुई, तो प्राइस कम हुई 160 रुपीज। क्या डिफरेंस है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में, ₹160, तो ये हमें मिला डिस्काउंट। कैसे फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, मार्क्ड प्राइस है 1700, सेलिंग प्राइस इज 1540, सो दैट इज डिफरेंस इज ₹160, डिफरेंस इज ₹160 एंड दैट इज द डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया डिस्काउंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्केट प्राइस इज ₹990 एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म में डिस्काउंट है, परसेंटेज फॉर्म में डिस्काउंट है ₹10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमने जो पहले एग्जांपल लिया था जिसमें शर्ट की मार्केट प्राइस ₹500 थी और डिस्काउंट था ₹50, तो वो जो ₹50 डिस्काउंट था वो डायरेक्ट डिस्काउंट था, वो डायरेक्ट रुपीज में अमाउंट दी थी कि ₹50 का सीधा डायरेक्ट एडहॉक डिस्काउंट है, तो हमने डायरेक्टली 500 में से ₹50 माइनस किया और हमें मिल गई सेलिंग प्राइस। अब जो है वो डिस्काउंट है परसेंटेज फॉर्म में, तो पहले रुपीज फॉर्म में कितना डिस्काउंट हुआ वो हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ₹990 पे 10% डिस्काउंट। अब हमें मालूम है कि जैसे अगर द प्राइस ऑफ सपोज एनी प्रोडक्ट इज 200, तो 10% डिस्काउंट उसका कितना हुआ, ₹100 पे 10 रुपीज डिस्काउंट, 200 पे 20 रुपीज डिस्काउंट, तो 10% ऑफ 200, 10 माइनस कर दिया, डिस्काउंट हो गया 20 रुपीज, मतलब 200 वाली जो 200 वाले प्रोडक्ट है उसमें 20 रुपीज का डिस्काउंट मिलके कट होके हमें प्राइस पे करने पड़ेगी ₹180। तो क्या करना है, पहले हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज। अब इसका फॉर्मूला है तो लिखते हैं दिस 10% डिस्काउंट है, तो इसको लिखेंगे 10/100। ठीक है, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है 10%, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखना है 10% 10/100 मल्टीप्लाइड बाय मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट का जो रेट है इनटू मार्क्ड प्राइस। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे फाइंड किया जाता है, याद रखिए मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट फाइंड किया जाता है। तो 10/100 एंड द मार्क्ड प्राइस इज ₹990। ऐसे तो आपको मालूम है, ओरली भी मैंने समझाया है कि अगर 10% फाइंड करना हो तो 10 कम कर लीजिए तो 99 रुपीज डिस्काउंट। कैलकुलेशन करके करते हैं 10 एंड दिस 10 कैंसिल हो, मतलब 10 की टेबल लगी, तो हेयर 10 टाइम्स एंड हेयर 99 टाइम्स एंड दिस 10 दिस 10 कैंसिल हो, मींस 10 गोज इनटू 10 वन टाइम, सो द डिस्काउंट इज ₹90।
अब डिस्काउंट 99 रुपीज है, तो जिसकी प्राइस 990 है वो प्रोडक्ट कितने में मिलेगा? तो इसमें से 99 माइनस कर लो, आपको मालूम है सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस इस रुपीज 990 और डिस्काउंट मिला 99 रुपीज। तो दिस फिगर इज, पहले 90 कट कर लेते हैं और फिर 900 में से 9 माइनस किए तो रुपीज 891। सो दिस इज द सेलिंग प्राइस, दिस इज द आंसर। ठीक है, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी, दिस इज द सेलिंग प्राइस। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, इफ सेलिंग प्राइस इज रुपीज 900, पहले हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर रहे थे, अभी सेलिंग प्राइस गिवन है कि सेलिंग प्राइस इज रुपीज 900, डिस्काउंट इज 20%, 20% डिस्काउंट ग्राहक को, कस्टमर को 20% डिस्काउंट देने के बाद में सेलिंग प्राइस है रुपीज 900, इन्हें डिस्काउंट मिल चुका है और फिर 900 रुपीज पे करने पड़े, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। तो जब हम वैसे डिस्काउंट फाइंड करते हैं तो हमेशा हम मार्क्ड प्राइस पे फाइंड करते हैं, अब मार्क्ड प्राइस नहीं गिवन है तो उस पर हम डिस्काउंट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका दूसरा मेथड है सॉल्यूशन। जब मार्क्ड प्राइस नहीं हो ना तो एक दूसरा मेथड लेते हैं हम, 100 रुपीज वाला मेथड। सो क्या है वो 100 रुपीज वाला मेथड, देखिए डिस्काउंट इज 20%, मतलब अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है तो डिस्काउंट 20 रुपीज होगा। और सेलिंग प्राइस क्या होगी, अगर मार्क्ड प्राइस 100 रुपीज है, डिस्काउंट इज 20% मींस 20 रुपीज, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस विल बी रुपीज 80। तो वो हम लिखते हैं, इफ द मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 100, देन देयरफॉर इफ द मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 100 देन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 80, क्योंकि 20 रुपीज का डिस्काउंट मिला 100 रुपीज पे। अब सेलिंग प्राइस इज रुपीज 900, मार्क्ड प्राइस नहीं मालूम, लेट द मार्क्ड प्राइस रुपीज बी रुपीज एक्स। नाउ लेट द मार्क्ड प्राइस बी रुपीज एक्स, नहीं मालूम तो एज्यूम कर लेंगे सपोज इट इज एक्स। तो अब हमें दो रेशियोस इक्वल यानी कि प्रपोर्शन लिखना होगा। क्या प्रपोर्शन लिखना है, इफ द सेलिंग प्राइस, यहां पे हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सॉरी यहां पे हम लिख रहे हैं मार्क्ड प्राइस और न्यूमरेटर में लिख रहे हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इफ द मार्क्ड प्राइस इज रुपीज 100 देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज रुपीज 80। अब जब सेलिंग प्राइस है रुपीज 900 देन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस, नहीं मालूम और वो हमने अज्यूम किए सपोज इट इज एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया, इफ मार्क्ड प्राइस इज 100 देन सेलिंग प्राइस इज 80। नाउ वी डोंट नो द मार्क्ड प्राइस, सो द मार्क्ड प्राइस इज एक्स एंड सेलिंग प्राइस इज रुपीज 900। अब इसको सॉल्व करने के लिए विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मीन्स 80 विल बी मल्टीप्लाइड टू एक्स एंड 100 विल बी मल्टीप्लाइड टू 900। तो देयरफॉर 80 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 900 इंटू 100, 900 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप जानते ही होंगे। तो x फाइंड करना है तो 80 को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो x इक्वल्स टू 900 इंटू 100 एंड मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में जाएगा अपॉन 80, राइट। सो 0 एंड 0 कैंसिल आउट, 10 की टेबल लग गई। नाउ 4 गोज हियर टू टाइम्स, 4 गोज हियर इंटर 8 टू टाइम्स, सॉरी यहां पे हम 4 की टेबल नहीं लगा सकते या 4 की टेबल इन दोनों में लगा सकते हैं। तो 4 गोज इंटू 8 टू टाइम्स एंड 4 गोज इंटू 900, तो देखिए 900 में 4 की टेबल कैसे लगा रहे, 4 टू ज 8, 9 में 4 की टेबल 2 टाइम्स, 4 टू ज 8 डिफरेंस इज 1, 8 और 9 में डिफरेंस इज 1 मैंने यहां पे लिखा, आप ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो ये समझने के लिए। 10 4 1 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, अगेन 4 गोज इनटू 10 2 टाइम्स, अब 10 और 8 में क्या डिफरेंस है, 4 2 ज़ 8 यहां पे है 10, डिफरेंस इज 2, तो वो यहां पे लिखना है या जो है वो माइंड में कैलकुलेशन करो कि 2 वहां पे रहेगा, रिमाइंडर इज 2, 2 0 20, 4 गोज इनटू 25 टाइम्स, सो 4 गोज इनटू 900 225 टाइम्स, and 2 goes into 10
5 times, right? So 225 into 5 is 1000, 1000, and 25 into 5 is 125, so this is 1125. X equals to rupees 1125. This will be the market price, 1125. अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं कैसे. तो क्योंकि बोला है कि डिस्काउंट इज 20%, तो रुपीज 1125 का 20% फाइंड करते हैं. अब 10% फाइंड करना है तो 10 से डिवाइड करो इसको, यानी जैसे हम एक जीरो कट करते हैं तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा. ऐसे भी 10% फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका 10% है 112.5, ठीक है, और हमें चाहिए 20%, तो इसका डबल, तो 112.5 का डबल है 125, 100 रुपए और 12.5 रुपए, इसका डबल है 225 रुपए. और ये हुआ डिस्काउंट, तो 1125 में से 225 का डिस्काउंट है, तो द सेलिंग प्राइस इज 900, और वो तो हमें बराबर वही सेलिंग प्राइस 900 मिल गई. तो हमारा ये जो आंसर है ये हमारा क्रॉस चेक हो गया, दिस आंसर इज करेक्ट. सो विल राइट हियर आंसर, द मार्केट प्राइस इज रुपीज 1125. ओके, तो ये इसको बोलते हैं 100 वाले मेथड. अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बट उसके पहले थोड़े में देख लेते हैं शॉर्ट में क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? द मार्केट प्राइस ऑफ अ फैन इज रुपीज 3000 रुपीज, एंड मार्केट प्राइस इज गिवन 3000. शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे 12%. फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड द सेलिंग प्राइस. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है कि मार्केट प्राइस गिवन है और डिस्काउंट 12% है, तो पहले आप डिस्काउंट फाइंड करोगे 12%, 12/100 into market price जो भी है 3000, discount find करोगे, और फिर market price में से जब discount minus करेंगे तो हमें मिल जाएगा selling price. Now we see question number 5. Market price of a mixer is rupees 2300. ये market price है 2300 mixer पे, जो printed price है. A customer purchased it for rupees 1955. तो जो 2300 rupees वाली market price वाली mixer है वो कस्टमर को कितने में मिली? ही गॉट इट फॉर 1955. तो ये कस्टमर ने परचेस किया है, तो कस्टमर के लिए परचेसिंग प्राइस है, और शॉपकीपर के लिए क्या है? शॉपकीपर के लिए वही सेलिंग प्राइस है. कस्टमर के लिए परचेस प्राइस, शॉपकीपर के लिए सेल्स प्राइस. फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट. कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट तो एक रुपीज में कितना मिला और परसेंटेज फॉर्म में कितना मिला, तो आइए दोनों फाइंड करते हैं. परसेंटेज फॉर्म में फाइंड करने के लिए पहले हमें रुपीज फॉर्म में फाइंड करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन लिखते हैं और डिस्काउंट फाइंड करते हैं इन रुपीज फॉर्म. डिस्काउंट इन रुपीज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस. मार्केट प्राइस है 2300 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 1955 रुपीज, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 345, राइट? रुपीज 345 इज द डिस्काउंट इन रुपीज. हमें परसेंटेज में फाइंड करना है, तो ये डिस्काउंट हमने रुपीज में फाइंड किया है. नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्काउंट इन परसेंटेज फॉर्म. डिस्काउंट इन परसेंटेज ये कैसे फाइंड करते हैं? तो मार्केट प्राइस जो है 2300 रुपीज, उस पर कितना डिस्काउंट मिला? 345 रुपीज. तो इसको ऐसे लिखते हैं, डिस्काउंट इन रुपीज, ठीक है, याद रखिए आप, डिस्काउंट इन रुपीज, डिस्काउंट इन रुपीज अपॉन मार्केट प्राइस, ठीक है. मार्केट प्राइस पे कितना डिस्काउंट मिला रुपीज फॉर्म में, मल्टीप्लाइड बाय 100. सो डिस्काउंट इज इन इन द फॉर्म ऑफ रुपीज इज 345 ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज 2300. 2300 रुपीज पे 345 का डिस्काउंट मिला, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो 20 कैंसिल आउट एंड 20 कैंसिल आउट, 23 गोज इनटू 345. 23 की टेबल लगा के देखिए, सो द आंसर विल बी 50. सो
15% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट कितना मिला उसको? 15%। आप लिखिए आंसर, आंसर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट या डिस्काउंट परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 15, ठीक है, 15% डिस्काउंट मिला। तो अब आप क्या करिए, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, और पहले आप रिमेनिंग क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखिए। एक तो एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो मेरे ख्याल से इजी है, आप सॉल्व करके देखिए। फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा।